कोटक जूनियर स्कॉलरशिप। आज हम बात करने वाले हैं इसी स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि आपको स्कॉलरशिप दे सकती है अगर आप स्कूल के एक स्टूडेंट हैं तो। स्पेशली ये स्कॉलरशिप दी जा रही है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो इस साल 11th क्लास में आए हैं उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जानते हैं हम स्कॉलरशिप के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण जयसिंह, CEO एट इनसाइट्स ऑफ करियर, जहां हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में एकदम आसान भाषा में। तो जान लेते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा, आपने 85% स्कोर किया हो 10th क्लास में। आपका बोर्ड कोई सा भी चलेगा, SSC, CBSE और ICSE, तीनों बोर्ड में से कोई सा भी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो चलेगा। और ध्यान रखना है 85% आपके पास 10th क्लास में होने चाहिए। आपकी फैमिली में से कोई भी, स्पेशली मम्मी और पापा, कोटक बैंक में या कोटक फाउंडेशन में काम ना करता हो। दूसरा, बड़ी फोर स्टडी, इन दो फाउंडेशन में अगर आपके पेरेंट्स काम करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दो ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम नहीं करते हैं आपके पेरेंट्स तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आपको 3000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा समझना है आपको इसको कैसे मिलने वाली है। आपको जो अमाउंट मिलेगी वो हर 3 महीने पे मिलेगी, यानी कि क्वार्टरली आपको अमाउंट मिलेगी। हर 3 महीने पे आपके पैसे आए करेंगे, मंथली नहीं आएंगे, बट 3000 रुपये मंथली के हिसाब से ही वो आपके पास पैसा आएगा। और दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि जो पैसा आपको मिल रहा है उस पैसे को आपको सिर्फ अपनी एजुकेशन में ही खर्च करना है, एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल में ही खर्च करना है। अदरवाइज़ ये स्कॉलरशिप आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब जान लेते हैं हम इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। डॉक्यूमेंट सबसे पहला, आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, कोई सा भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास चलेगा। इसके बाद आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ 10th के सारे डॉक्यूमेंट, आपकी मार्कशीट, आपकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट 10th में आपको मिलते हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपकी अकाउंट की बैंक डिटेल, यानी कि स्टूडेंट अकाउंट बैंक डिटेल, क्योंकि स्कॉलरशिप की अमाउंट आपके स्टूडेंट बैंक अकाउंट में आएगी तो आपकी वो बैंक डिटेल भी आपको देना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, ये स्कॉलरशिप सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा बना हुआ होना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट इसके अंदर चलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं इसको, आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन वे में ही फिल करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हैं या आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पे आप बात करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे, जो भी आपके सवाल हैं वो आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आपके अपने जो भी सवाल हैं आप यहाँ पूछ सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 31st के बाद इसकी एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको नहीं भर सकते। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहिए इनसाइट्स ऑफ करियर में। नमस्कार।